देखना यार कहीं थी वो बच्चा की पंकज थोड़ा पीछे रहो तो बाबा लाइट मत बताना फोटो लाइट सर हाँ अरे हंटर 13 महोदय चल 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 हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी लोगों की जरूरत नहीं है यार। अरे क्राइम ब्रांच और कैंट इंस्पेक्टर के द्वारा गोयठा मोड़ पे चेकिंग की जा रही थी, उसी समय पे कुछ अपराधियों की सूचना मिली और चेकिंग के दरमियान ये मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, इनको पीछे किया गया। उनके बदमाशों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, दो बाइक पे चार लोग होने की सूचना थी, जिसमें से पुलिस के द्वारा जो जवाबी फायर किया गया उसमें दो लोग घायल हुए हैं और उसमें से इनके नाम शैलेश पटेल और दीपक राजभर, जिसको दीपक मनिया के नाम से भी जाना जाता है, ये चिन्हित हुए हैं। ये झुन्ना पंडित गैंग के सक्रिय सदस्य है, एक्टिव ये कई अपराधों में ये शामिल रहे हैं और हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाएं हुई है उनमें भी इनका रोल सामने आया है। इनके ऊपर इसी के कारण इनाम घोषित किया गया था और आज क्राइम ब्रांच को एक ये सफलता मिली है, दो अभियुक्त इसमें घायल हुए हैं। कितना इनाम था दोनों लोगों पे? जो दीपक राजभर के ऊपर 25,000 का इनाम था और शैलेश पटेल के ऊपर 15,000 का इनाम था। विकलांग वाले केस में भी इनका रोल था क्या? विकलांग वाले भी केस में इनका इनडायरेक्ट रोल था, इससे पहले जो प्रधान का अपहरण हुआ था उस केस में जो है ये डायरेक्टली दोनों लोग इन्वॉल्व थे। कितने राउंड गोलियां चली होंगी इनको? इसमें कई राउंड फायरिंग हुई है, ये पूरे राउंड्स और खोखे काउंट करके पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी संख्या में फायरिंग हुई।